गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून टू मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट कर लिया था ना, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे। एक दिन मैं एब्सेंट थी, उस दिन कौन लिया था क्लास? हम लोग का क्लास हुआ था? नो मैम। नो मैम। अच्छा, ओके। तो लाइंस एंड एंगल्स हमने कंप्लीट कर लिया था, उस पे कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज वाज। एक क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ए बी सी एंड एंगल ए सी बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन इज, इफ द बाइसेक्टर ऑफ, ये तुम्हारा एग्जाम्पल में भी है क्वेश्चन, ये इसलिए मैं इसे करवा दे रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है ये प्रूव करने के लिए। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ए बी सी एंड एंगल ए सी बी मीट एट अ पॉइंट ओ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ, देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। यू हैव टू शो दैट। बोर्ड दिख रहा है बच्चे? सभी बच्चों को बोर्ड दिख रहा है? देख लिए? पहले ये क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग एक्सप्लेन इसको करेंगे। हो गया? क्वेश्चन इज, इफ द, इसका फिगर देखिए पहले, पहले इसका फिगर देखो। क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ए बी सी एंड ए सी बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल तुम्हारा ए बी सी है, ए बी सी बी एनी ट्राइंगल। ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इन विच द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी इसका बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी इसका बाइसेक्टर, दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? मीट एट अ पॉइंट ओ, दोनों ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यू हैव टू शो दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, यही दिखाना है। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, गिवन है, गिवन में लिखेंगे, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, गिवन है हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ
such that the bisector of angle ABC and angle ACB meet कैसे कर रहा है meet at a point O at a point O. क्या प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए इतना प्रूफ ये तुम्हारा गिवन है और उसका टू प्रूव गिवन है क्या दिया हुआ है एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव ठीक है तब इसका प्रूफ देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री कोई दिक्कत है नहीं है आप ये दिक्कत हो यहाँ पे हम लोग इसको एंगल वन मान लेते हैं और ये एंगल टू हो गया अब यहाँ देखो बीओ एंड सीओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी बीओ किसका बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी तो एंगल बी को हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल वन लिख सकते हैं बाइसेक्टर बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी तो ये एंगल हाफ ए बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा ए बी ओ इज इक्वल टू ओ बी सी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा ए बी का क्या हो जाएगा ए बी का आधा हो जाएगा तो एंगल बी तुम्हारा क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन सिंस बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वन एंगल वन जितना है उसका डबल होगा एंगल बी क्या होगा उसका डबल होगा ठीक है और सिमिलरली सीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी तो ये तुम्हारा एंगल सी तुम्हारा क्या हो जाएगा बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये एंगल टू है तो ये एंगल ये इसको मान लिया हमने टू मान लिया तो एंगल सी तुम्हारा क्या होगा एंगल टू का डबल हो जाएगा ओके देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू ठीक है डबल हो जाएगा क्योंकि बीओ इसका बाइसेक्टर है देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वन एंड सीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी देयरफॉर ये एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू कोई दिक्कत है यहां तक अब देखो इसी बात को हम लोग प्रूफ करके लिखेंगे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बाय प्रूफ देखिए इसका बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वी हैव क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों तीनों एंगल का सम कितना होगा व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री ठीक है यहाँ तुम्हारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री अब ये एंगल ए तो तुम्हारा इसी तरह है रहने दीजिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे देखो बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी देयरफॉर एंगल बी को हम लोग क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल वन उसी तरह से ये जितना एंगल वन है तो ये भी एंगल वन हो जाएगा एंगल वन और एंगल वन मिलकर क्या हो जाएगा ये एंगल वन है तो ये भी एंगल वन हो जाएगा तो एंगल वन प्लस एंगल वन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन हो जाएगा तो एंगल बी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा ये एंगल वन हो जाएगा उसी तरह से सीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी तो ये एंगल टू है तो यहाँ भी एंगल टू हो जाएगा ये एंगल टू प्लस एंगल टू मिलके क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टू तो एंगल सी तुम्हारा क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री ये क्यों होगा यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख मेंशन करना होगा सिंस बीओ एंड सीओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल
ए सी बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वन एंड एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू। ये इतना यहां से मेंशन करना होगा, ठीक है, इसको मेंशन कर देना। हो गया ये। अब यहां देखिए, अब देखो ये टू है, अब यहां हमको लाना है क्वेश्चन में हाफ लाना है, तो हाफ लाने के लिए क्या करेंगे, ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू, दोनों तरफ टू से डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा एंगल ए बाय टू प्लस ट्वाइस एंगल वन बाय टू प्लस ट्वाइस एंगल टू बाय टू, और इधर भी 180 बाय टू, दोनों तरफ हमने टू से डिवाइड दे दिया, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ, अब ये टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ भी टू से टू कैंसिल हो गया, तो एंगल ए प्लस वन एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो, एंगल वन प्लस एंगल टू क्या होगा, यहाँ बाई वन हाफ छूट गया था, ये वन ए बाई टू को उधर ले आओ, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, अब इस ट्रायंगल में लो, अब इस ट्रायंगल में लो, हाफ ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन ट्रायंगल बी ओ सी, अब लिखेंगे हम लोग, नाउ नाउ इन ट्रायंगल बीओसी, बीओसी एंगल बी ओसी प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और इम्प्लाई, अब यहां से देखो, अब ये जो एंगल वन प्लस एंगल टू, इसका यहां से वैल्यू हमने पुट कर दिया, पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल वन प्लस एंगल टू इज इन इक्वेशन नंबर टू, इसमें यहां से देखो वन प्लस टू का वैल्यू आया था 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, तो इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर टू में, तो ये हो गया एंगल बी ओ सी प्लस एंगल, यहाँ देखो वन प्लस एंगल टू की जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस है ना, माइनस एंगल ए बाई टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, देयर फॉर एंगल बी ओ सी, ये इसको उधर ले जाओ, राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके देखो क्लियर दिख रहा है मैम, नेटवर्क नहीं ठीक है, क्लियर देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है बेटा, बताइए, बोर्ड नहीं दिख रहा है मैम, क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, आने लगा, छोड़ दीजिए, इतना नोट कर लो, देखो आ रहा है, देखो, यस मैम, यहां तक हमने यहाँ पुट कर दिया वैल्यू, अब इसके बाद देखो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, देखो इधर बोर्ड दिखेगा,
और किसको दिख रहा? अब इधर देखो, देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले जाओ, 90 डिग्री माइनस वाई ए बाई टू को 180 डिग्री, तो ये माइनस ये है प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंगल ए बाई टू ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू, यही प्रूफ करना था। देख लीजिए, समझ में आ रहा है, बताइए ये क्लियर हो गया, ये थ्योरम प्रूफ हुआ, समझ में आया बच्चे, बताइए। देख लीजिए, सबसे पहले इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो, शुभम को समझ में आ गया, थैंक यू। देखो इसको यहां से पहले नोट कर लीजिए, फिर आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। सबसे पहले कहता है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ए बी सी एंड एंगल ए सी बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट अ पॉइंट ओ, देन बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए। सो गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ देखो एंगल ए ऐसे ही रहने दो, और एंगल बी को हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल वन लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर है, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, तो ये इस दिस इज एंगल वन, तो ये भी एंगल वन हो जाएगा, बाइसेक्टर है तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, यानी कि ओ बी सी को हमने एंगल वन लिखा है तो एंगल ए बी ओ भी हमारा वन हो जाएगा, तो एंगल वन प्लस एंगल वन मिलके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल वन, तो एंगल बी हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन। उसी तरह से एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू क्योंकि सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, therefore angle C is equal to twice of angle 2 is equal to 180 degree। अब देखो हमने यहाँ पे दो से divide दिया throughout both sides, dividing both sides by 2, 2 से इसलिए किया है क्योंकि question में हमारा 1/2 लाना है, a by 2 लाना है, a by 2 तो ऐसे नहीं आएगा जब तक हम लोग उसको divide नहीं देंगे, तो हम लोगों ने दोनों तरफ divide दे दिया कि cancel हो जाएगा, तो एंगल ए बाई टू प्लस टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री/2, तो ये हमारा कैंसिल हो गया 2 से 2, तो बच गया हमारा एंगल ए बाई टू प्लस 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब इस ट्राइंगल में लो, छोटा ट्राइंगल बी ओ सी में, तो बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बी ओ सी प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, उसको राइट साइड ले जाओ, माइनस 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल है ए को राइट साइड में ले जाओगे तो -90 डिग्री प्लस 1/2 आ जाएगा, देखो उधर, तो यही हमें प्रूफ करना था। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हारा दिया हुआ है बुक में, तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको देखोगे ध्यान से, जब प्रॉब्लम सॉल्व किए होगा तो ये देखो, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिया हुआ है फिगर, दिया हुआ है एंगल एक्स, दिया हुआ है 62 डिग्री, और ये दोनों बाइसेक्टर है, तो बताइए कि एंगल ओ कितना होगा,
यही तुम्हें पूछ रहा था स्टाइस। जैसे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन था, तुम्हारा ये 60 डिग्री है, 62 डिग्री है, ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ था, ये तुम्हारा 62 डिग्री है, तो व्हाट इज एंगल, दिस एंगल क्या होगा, ये एंगल 62 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल 62 डिग्री है तो व्हाट इज एंगल बी ओ सी, तो इसी पर डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट इसका इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ राइट साइड को इस तरफ देखो, फिगर में देखो, कोई बच्चा बता सकता है एंगल ए तुम्हारा 62 डिग्री है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके बताओ कि एंगल बी ओ सी कितना होगा। कोई बता सकते हो, एंगल ए तुम्हारा 62 डिग्री है तो व्हाट इज एंगल बी ओ सी, इसी पे बेस्ड है, अगर कोई बता सकते हो तो बताओ। 121? 121 कैसे होगा बेटा बताओ, 121 तुम बताए कैसे हुआ, एंगल ए दिया हुआ है तुम्हारा 62 डिग्री, तो व्हाट इज एंगल बी ओ सी, बी ओ सी का एंगल निकालना है, वन ट्वेंटी एंगल वन हाँ 121। देखो तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, हमने प्रॉपर्टी यूज किया 90 डिग्री प्लस हाफ हाफ 62 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 121, समझ रहे हो, डायरेक्ट तुम लोग इसी प्रॉपर्टी के एग्जाम में अगर एमसीक्यू में अगर आ गया तो इस टाइप का इस प्रॉपर्टी से जो डायरेक्ट यूज करके बना सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट, ये हो गया सभी का, इसी पर एक और है क्वेश्चन, ये हो गया सभी का, इसको मिटाए, बोलो बेटा जल्दी बताओ, हो गया है तो मिटाए। ठीक है, अब हम लोग एक और लेंगे एग्जाम्पल, देखो क्वेश्चन है, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर फोर, ये तो तुम्हारे बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल तुम्हारे बुक का, इसको लिख लो क्वेश्चन, द साइड्स ए बी एंड ए सी, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू आर प्रोड्यूस टू, बोर्ड दिख रहा है ना, देखिए आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर ऑफ, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड एंगल क्यू सी बी मीट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। इसमें देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 90 बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए को प्रूव किया था, अब इस क्वेश्चन में बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री
माइनस हाफ एंगल ए है। इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो सभी, इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन हो गया सभी का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, गिवन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी दिया हुआ है। ए बी सी बी एनी ट्राइंगल, ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसमें कि कहता है कि द साइड ए बी एंड ए सी, इसमें साइड ए बी को किसी पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है कोई पॉइंट पी तक, एंड पॉइंट सी को भी उसी पॉइंट क्यू तक प्रोड्यूस किया गया है। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी, ए बी सी एंड ए सी बी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी, तो पी बी सी इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर यहां हो गया, एंड बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी एंड क्यू सी बी, क्यू सी बी दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मीट एट अ पॉइंट ओ, दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। क्वेश्चन है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी, पी बी सी ये हो गया, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी बी सी, एंड सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू सी बी, क्यू सी बी का बाइसेक्टर है। दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मीट एट अ पॉइंट ओ, तो यू हैव टू शो दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये जो एंगल बी ओ सी बन रहा है इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए के बराबर होगा। अब देखो यहां इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पर इस एंगल को हमने वन माना और ये एंगल हमारा टू है, ये क्या है बी ओ, ये बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले देखो ये एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी और एंगल पी बी सी, ये और एंगल पी बी सी दोनों का सम कितना होगा बताइए। एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी दोनों का सम कितना होगा, ये क्या बन रहा है, दोनों दोनों मिलके क्या बन रहा है 180 डिग्री, लीनियर पेयर 180 डिग्री, यस। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए सी बी, ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी ये दोनों का सम कितना होगा, इधर साइड में ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये भी 180 डिग्री होगा। अब यहां देखिए एंगल पी बी सी है, इन ट्रायंगल पी बी इन ये बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी, बी ओ क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी का, ये एंगल वन माना हमने तो ये भी एंगल वन हो जाएगा, तो वन और वन मिलके क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन, तो एंगल पी बी सी इसको हम लोग एंगल बी लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, पी बी सी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वन हो जाएगा। सिमिलरली सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू सी बी,
सीओ जो है बाइसेक्टर है किसका, क्यू सी बी का, तो ये टू है तो यहाँ भी टू हो जाएगा, यानी कि क्यू सी ओ प्लस ओ सी बी ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, अब इधर देखो, अब इस तरफ देखिए तीन ट्रायंगल, अब इसका प्रूफ देखिए। देखोगे इसका गिवन में लिखना, गिवन पहले क्या है, गिवन गिवन में लिखना ट्रायंगल एबीसी, गिवन में लिखना अ ट्रायंगल एबीसी इन विच साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रोड्यूस किया गया है टू पॉइंट रेस्पेक्टिवली, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी एंड एंगल क्यूसीबी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ, प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल पी बी सी को क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये, इसका ब्रैकेट में लिख देना बीओ इज द, और उसी तरह से लिख देना अगेन अगेन एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए सी बी प्लस ए सी बी को हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे एंगल सी, ए सी बी को शॉर्ट में लिख दो एंगल सी और ए बी सी को शॉर्ट में लिख दो एंगल बी, और इसको लिखो ट्वाइस ऑफ एंगल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिखो, सिंस बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड एंगल क्यू सी बी, देयरफॉर एंगल पी बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वन, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टू। इसका रीजन लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब फ्रॉम वन एंड, अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया तुम्हारा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, अब देखो इस तरफ देखो, अब इन ट्रायंगल बी ओ सी, अब इस ट्रायंगल बी ओ सी में ले रहे हैं हम लोग, बी ओ सी में एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 180 डिग्री। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, अब देखो इसको थोड़ा, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखो एंगल सी है तो ये ट्वाइस एंगल टू इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा,
180 degree minus angle C. Therefore, angle 2 is equal to. मैम दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ, देखो यहाँ इस लाइन को और थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखो इसको, और यहाँ पर भी एक और लिखेंगे. इसको ट्वाइस एंगल टू, अब इसको एंगल सी को राइट साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी. देयरफॉर एंगल टू ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी बाई टू हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करोगे तो 180 बाई टू 90 माइनस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस टू और बाई कितना हो जाएगा, ये हाफ ऑफ एंगल सी. हाफ ऑफ एंगल सी नहीं दिख रहा है तो छोड़ो, हम लोग इधर कर लेते हैं. इधर नहीं दिख रहा है तो इस तरफ कर लेते हैं. देखिए देखो यहीं से पूरा हम लोग देखो, यहाँ पहला हमने दिखाया था कि यहाँ देखो एंगल बी यहाँ से दिख रहा है. एंगल बी प्लस Yes. Twice of angle one is equal to 180 degree हमने दिखाया था यहाँ से. अब यहाँ से twice of angle one क्या हो जाएगा, 180 degree minus angle B. Therefore, angle one is equal to क्या होगा, 180 degree minus angle B by 2. ये 180 by 2 bifurcate करेंगे तो angle B by 2, इसको मान लो 1. अब उसी तरह से सिमिलरली अगेन इसी तरह से हमने कहा था कि QCB इसका CO is the bisector of angle QCB. तो इसको हमने दिखाया था एंगल ACB प्लस एंगल QCB is equal to 180 degree लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर से एंगल ACB को एंगल C लिखो, एंगल C को क्या, QCB क्या होगा, QCB हमने वहां दिखाया था ट्वाइस ऑफ एंगल टू is equal to 180 degree क्योंकि CO is the bisector. अब यहाँ से twice of angle 2 is equal to 180 degree minus angle C, ठीक है. Therefore angle 2 is equal to 180 degree minus angle C by 2, whole पे कर दो तो angle 2 तुम्हारा हो गया 90 degree minus angle C by 2. इसको मान लो equation number 90 डिग्री पे पार्क इस पर होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू. अब यहाँ से देखो इन ट्राइंगल बी ओ सी व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल.